इनको। सर ये वो जगह है सर, नहीं इस जगह ने बारे में क्या आया, ये ख्याल आया कि इधर कीमती जवाहरात हीरे और बुत वगैरह दफन, जिस वास्ते मुख्तलिफ लोग मिल के इस जगह ने खुदाई की थी और मशीन वगैरह लगे रही, काफ़ी कन कन लगे रहने इसने बेच कड़ी सन जी साल डेढ़ पहले निकाले सर। अच्छा साल डेढ़ पहले निकाले, मैं भी इधर आया चक्कर लाया, ये पता नहीं कितना कुछ निकला नहीं निकला, लेकिन एक बंदे माने तो सही कि एक बुत निकलिया जिसने सिर उतना लै गया, अगर उसका सिर जुदा ना हो या टुटिया नहीं हो तो उसकी बड़ी कीमत हुई, अच्छा तकरीबन लखन चाहिए उसकी कीमत। बाकी भी काफ़ी चीज़ें निकल जाएँ, लेकिन असा तो शौक नहीं दसेंगे सीधा राज भी दसेंगे। तो गवर्नमेंट नहीं पता होना जी, गवर्नमेंट तो मिल गए नहीं लोग जमीन जनानी मिल गई बोलो जी। ये कुआं जो हम जिसनी तस्वीर तो संभाई जी खुदाई जिसनी हुई, इसने बारे च ख्याल है नवाब शाह बाबा साढ़े ग्रां सब तो ज्यादा ए जड़े बंदे 157 साल जनानी उम्र हुई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मैं दसिया कि इधर जी तेजीब हुई जो ग्रां आया जिसने 120 दमाद आया, ओहो ईद ने तेरे दमाद आने होंगे तो ढाली आई हैं झूले होंगे पींग होनी है, वो पींग मतलब इधर पा के मतलब अपनी सरमी करो प्रोग्राम करो, 120 दमाद आया मुख्तलिफ शहरों चो मुख्तलिफ चाचने ग्रामा चो और सराद ने ग्रामा चो आने होंगे इतने आने होंगे। तो ये जगह कुएं जी बजुर्ग को सुना है मैं उन्होंने को शाह बाबा को और मुख्तलिफ बंद को सुरंग टाइप इन्होंने नाला खोदे है जी सुरंग टाइप, दो बंदे आन लोटे वगैरह कट के पानी उसने खत्म पानी उस नाले में मांझे और ग्राएं टूरियां सप्लाई होती सुरंगाने में अंडरग्राउंड सिस्टम आया उन्होंने कोई अट ग्रेविटी सिस्टम इस तरह रखे आना वो पानी इस तरह इस्तेमाल करना गलबन उन्होंने कोई दुश्मन वाला आलम।